नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और फ्यूचर वीडियोस को देखने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ हैं बहुत ही रिस्पेक्टेड पेट पेरेंट मिस्टर मुकेश सिंह जी। इनका एक डॉग है जर्मन शेफर्ड। कितने महीने का है ये? डेढ़ महीने का है ये। तो बेसिकली क्या है कि इनके डॉग को जो है आइवरमेक्टिन नियोमेक की टॉक्सिसिटी हो गई थी, जो कि मैं कई बार वीडियो में बताया हूँ कि नियोमेक टॉक्सिसिटी बहुत ही डेडली होती है, खासकर पपी अगर बहुत ही छोटे होते हैं और अनजाने में अगर उसकी ओवरडोजिंग हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेमलिंग अटैक्सिया हो जाता है जर्मन शेफर्ड को, इनफैक्ट किसी भी डॉग ब्रीड को। तो वहाँ पे मेरी पहले भी वीडियो है, तो एक दूसरी वीडियो ये है। तो इसमें क्या है कि ये आपको आप बीती बताएंगे कि कैसे ये इस त्रासदी से पिछले 15 दिनों में मेंटल ट्रॉमा जो इनको हुआ है कैसे ये रिकवर किए, और उसके बाद फिर जब हमारे पास आए तो उसके बाद फिर मैं तो डिटेल बताऊंगा, बट पहले इनसे थोड़ा सा इनकी आप बीती ले लेते हैं। प्लीज़ बताइए। हाँ जी सर, बताइए प्लीज़। सर, इसको फर्स्ट डे बुखार हुआ था। ओके। उसके बाद मैं एक सरकारी अस्पताल में गया था। ओके। तो वहाँ से दवा लिया। ओके। तो उन्होंने कहा था दवा खिला देना, फर्स्ट डे दवा खिलाया तो अच्छा था। ओके। सेकेंड डे जब दवा खिलाया तो नाइट में खेल रहा था। ओके। जब सुबह हुआ तो ये चल नहीं पा रहा था, गिर गिर जा रहा था। ओके। और उसके बाद से इसका हालात गंभीर होते गया। ओके। दोपहर में एकदम पूरे अच्छी तरह से गिर गया जमीन पे और सर अपना रगड़ने लगा। ओके। मैंने सोचा कहीं और चलें, इस अस्पताल में सही होगा नहीं। ओके। तो दूसरे अस्पताल हमने गया, तो दूसरे अस्पताल गया तो बोल रहे हैं डॉक्टर कि ये पैर दोनों फ्रैक्चर हो गया है। ओके। इसका जाओ पहले एक्सरे करा के लाओ। ओके। उसके बाद मैं इलाज करेंगे। ओके। तो उसके बाद हमने सोचा कि फ्रैक्चर कहाँ से हो जाएगा, तो घर पे ले गया कि चलते हैं एक्सरे कराते हैं। एक्सरे कराने गया तो एक्सरे सर बोल रहे हैं कि इसको फ्रैक्चर हुआ ही नहीं है। हाँ। और कोई और दिक्कत है इसको। ओके। तो मैंने और थोड़ा घबरा गया। उसके बाद से अपने दोस्तों के पास फोन किया तो ओके। दोस्तों ने बोला कि एक मेरा भी डॉगी था। हाँ। उसको भी ऐसे हुआ था, एक डॉक्टर है डॉक्टर मिश्रा जी, उनके पास जाइए। ओके। और सही हो सकता है। तो आपके पास आया तो आपने बोला कि इसको दवा ओवर डोज हो गया है और 3 या 4 डे में रिकवर हो सकता है। फर्स्ट डे थोड़ा सा रिकवर हुआ, उस सेकेंड डे में 40% तक रिकवर हुआ। और थर्ड डे है, थर्ड डे पे अधिक से अधिक रिकवर हो गया है, दौड़ रहा है। चलिए ठीक है। तो आपको कैसा लगा, जरा दिखाइए जरा इसको। कोको कम ऑन, कम 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 कम, चल आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ कोको, ओए इधर आओ, इधर आओ, यस ओके। तो कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। चलिए ठीक है, आप ऐसे ही ध्यान रखिए, जागरूक रहिए और कभी कोई समस्या आए तो प्लीज़ संपर्क कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि कोई दिक्कत आए डॉग से संबंधित तो आप डॉक्टर मिश्रा से संपर्क करें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए, उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।